नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा गैलेक्सी बड प्लस के बारे में जो फिलहाल ही लॉन्च हुआ है। ये इसकी कीमत जो है 14,000 रुपये है, लेकिन अगर आप कोई S20 Plus या S20 लेते हैं तो आप इसको सिर्फ ये 2,000 रुपये में मिलेगा कोट के साथ। ये काफ़ी प्रीमियम लुक देता है, देख सकते हैं आप इसको कितना अच्छा लुक बना रखा है। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो इस तरह से ये प्रेजेंट हो रहा है, दो बड्स है इसमें, इसमें लाइट है चार्जिंग का, इसे आप निकालेंगे और रखेंगे तो ये चार्ज हो जाएगा इसी के अंदर, बैकअप भी ठीक है। ले अब मैंने इसको कल मंगवाया, मतलब कल डिलीवर हुआ मेरे घर पे ये, मैं बहुत खुश था कि चलो सैमसंग बड्स मिला मुझे, 14,000 का बड्स मुझे 2,000 में मिला, S20 Plus लिया है मैंने उसके साथ, बहुत खुश हुआ मैं, बहुत हैप्पी था। लेकिन अगर ट्रूली पूछा जाए तो मेरा कट गया, वो भी तबीयत से, क्योंकि इस बड्स की जो आवाज़ जो है ना बहुत ही बेकार है, इसमें बड्स में बेस बिल्कुल ही नहीं है। मतलब एक तरह से सैमसंग वालों ने ये सोचा है कि इंडिया के लोग बेवकूफ़ हैं और उनको कुछ समझ नहीं आता और कुछ भी उनको दे देंगे सस्ते में। मतलब अगर मुझे, रियली बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, अगर ये बड्स मुझे दुकान पे या शॉप पे या ऑनलाइन में 2,000 में मिलेगा ना तो भी नहीं लूँगा, 14,000 तो दूर की बात है। मतलब बहुत बुरा कटा है ये, आपको बताऊँ इसकी आवाज़ में आपको बेस बिल्कुल नहीं मिल रहा, क्वालिटी बिल्कुल नहीं है। AKG का जो आपका हेडफोन्स है उससे कंपेयर किया जाए तो 10% भी नहीं है। मैं बहुत दुखी हुआ जब इसको मैंने दो तीन बार देखा कि दोबारा मैंने रीसेट किया, मैंने इसको हर तरह से चेक किया कि नहीं कहीं इसका बेस में नहीं मुझे कोई इशू लग रहा हो, लेकिन ट्रूली बता रहा हूँ इसका बेस बिल्कुल ही नहीं है, ये बिल्कुल ही एडजस्ट नहीं हो सकता किसी के साथ, ये 14,000 की कीमत के लायक नहीं है। तो आप लोग इसको मत लीजिएगा, और गलती से ले लिया आपने तो आगे इसको सेल आउट कर दीजिए, आपके किसी काम का नहीं है। और इसका जो वॉल्यूम है अगर आप 100% करते हैं तो समझ लीजिए बाकी AKG से 50% ही होगा, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है वॉल्यूम की, आपको तेज करते ही इसकी साउंड क्वालिटी बिल्कुल ऐसे लगेगी कोई रेडियो बज रहा है। मेरे पास, मैंने दो फ़ोन लिए थे, दो बर्ड्स मंगवाए, मैंने सोचा हो सकता है कि इस बर्ड्स में कोई इशू हो या कोई खराबी हो, तो मैंने दूसरा बर्ड्स मंगवाया, ठीक है, उसकी भी सेम, इसमें एक तो वॉल्यूम बहुत स्लो है, इसकी बेस नहीं है, ठीक है, और आप इसकी क्वालिटी एक MI से करोगे 2,000 रुपये वाले से तो MI वाला उससे सक्सेसफुल रहेगा आवाज़ के मामले में। इसकी सिर्फ बॉक्स की क्वालिटी आप देखोगे तो बहुत अच्छी है, एक प्रीमियम लुक दे रहा है, लग रहा है कि आपने कोई एप्पल का चीज़ उठाया हुआ है हाथ में, लेकिन जैसे ही आपने इसको खोला और इसको हाथ में लिया ऐसे, तो ये झुनझुना है, इसको झुनझुना बोलते हैं। और सही में मैं कोई अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहा, एक सिंपल वर्ड में कह सकता हूँ कि बढ़िया से कट गया 2,000 रुपये का, ठीक है, तो बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों बड्स अपने हाथ में लेके बस देखते रहिए, बॉडी की क्वालिटी सुनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत घटिया क्वालिटी है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है अपने व्यूवर से, सब्सक्राइबर से, जितने लोग हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता उनका नुकसान हो, वो ये बड्स से दूर रहें। अगर ले लिया तो खुद चेक करें कि मेरी बातों में कितनी सच्चाई है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।